कंगाल पाकिस्तान इन दिनों पैसे की भीख पूरी दुनिया से मांग रहा है, जिसे देखकर कई देश पाकिस्तान को भीख देने के लिए तैयार भी हो गए। आखिर कौन से हैं वो देश और कितना पैसा वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान सरकार ने IMF के सामने 6 अरब डॉलर की बजाय 8 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज भुगतान का फाइनेंस प्लानिंग रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें चीन से 3.5 अरब डॉलर, सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर, UAE से 1 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से 50 करोड़ डॉलर और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 25 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद है। यही नहीं, वित्त मंत्रालय के अनुसार जिनेवा सम्मेलन से 35 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। और तो और पाकिस्तानी सरकार ने जुलाई से सितंबर तक यानी कि 3 महीने में ही 11 लाख करोड़ रुपए कर्ज के पैसे जुटाने का लक्ष्य भी रखा हुआ है। वैसे गाइस, क्या आपको ये लगता है कि इतनी सारी मदद मिलने के बाद भी पाकिस्तान लोन से छुटकारा ले पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आखिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में मौजूद महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती के दौरान महिलाओं को क्यों बाहर रखा जाता है, उन्हें आरती से निषेध क्यों किया गया है? दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैन में दूषण नाम का एक बड़ा राक्षस रहता था, जो वहाँ की प्रजा और राजा को बहुत प्रताड़ित करता था, जिससे तंग आकर लोगों ने महादेव को रक्षा करने के लिए बुलाया और पूजा अर्चना भी की। लोगों की भक्ति देखकर स्वयं महादेव ने उस राक्षस का वध कर दिया और उसी की राख से खुद का श्रृंगार कर लिया और वो उसी स्थान पर बस गए, जिसे आज हम महाकालेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि जिस भी इंसान की चिता की राख से महादेव का श्रृंगार किया जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही नहीं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भस्म आरती के वक्त मंदिर में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं, जिसे महिलाएं नहीं देख सकती। फिल्म भले ही चलती है 3 वजहों से, एंटरटेनमेंट, 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 लेकिन फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए फूहड़ एंटरटेनमेंट या बड़े बड़े बजट की जरूरत नहीं होती, बल्कि चाहिए होता है अच्छी स्क्रिप्ट, एक्टिंग और डायरेक्शन। और कुछ ऐसा ही हो रहा है मराठी फिल्म बाईपण भारी देवा के साथ। अब ऐसा क्या हुआ इस फिल्म के साथ, चलिए जानते हैं। दरअसल मराठी फिल्म डायरेक्टर केदार शिंदे की फिल्म बाईपण भारी देवा मराठी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है। महिलाओं के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने 5 करोड़ रुपए के बजट में सिर्फ 11 दिनों के अंदर ही 30 करोड़ रुपए की कमाई कर ली और अभी भी इसकी कमाई बढ़ती जा रही है। गाइस, जहां करोड़ों की बजट में बनी बॉलीवुड फिल्मों को मुंह की खानी पड़ रही है, वहीं सिर्फ 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने यह साबित कर दिया कि एक अच्छी फिल्म बजट से नहीं बल्कि अच्छे कॉन्सेप्ट और एक्टिंग से बनती है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।